चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। ये देखो कि दो डब्बा पड़ा, ये यहाँ कमरा थे, दो कमरे थे, यहाँ दोनों फोड़ दिए, सामान भी काटने की हिम्मत नहीं आने दी मारी, एकदम से बुलडोजर मंगा कर दीवालों पे मार दिया, सारा सामान भी दब गया। फिर हमने जल्दी से सामान भरा, कमरे भी नहीं कहीं पे मिले, और ऐसी दिक्कत थोड़ी बहुत ज्यादा। मैं सर जवान बच्चा था, एक इतना बच्चा है, जवान बच्चा है जी, संभालिए अपने आप को, ये देखिए पूरी तरह जी हमारे पास तो था, उनका रसीद थी हमारे तक 17 साल पहले की बताई थी रसीद, तो उन्होंने कहा कि अगर ये से कुछ नहीं होएगा, हमारे जेठ थे बराबर में, उन्होंने मुकदमा डाल रखा था, उन्हें जेल में डाल दिया, उनकी लेडीज नाम है उनका सरफराज, उन्हें तो 15 दिन जेल करके आए हुए, तो अभी क्या करते हैं, डबे भरे हैं, वो गाड़ी चलाते हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार भी आ चुकी, सपा की भी आ चुकी, मायावती की भी आ चुकी, और भाई इनके दोनों बीजेपी के, इनके दोनों पकड़ा, पहले मकान तोड़ दिया, ऐसा नहीं हो जो उन्होंने सामान काटने की नौबत पड़ी, मशीन है दो मशीन है दो और उठाए और फेंक दिया। इधर ये हमने डाल रखा सामान, यहाँ पे पानी भर गया, जब यहाँ पे पानी भर गया है यहाँ पे, ये सब हम कारोबारी लोग ठंडी रात का मजदूर, तो ये हमने यहाँ पे फिर पन्ने टागे, हमें किसी को क्या का मकान देखा, हमने वहाँ पे शिफ्ट हुआ, कल जाके शिफ्ट हुआ पानी में ही। हमारे बड़े यहाँ पे रहता है 80-90 साल से, हम यहाँ पे रहतवान थे, तो इसको खाली कराने का कार्य किया गया है, और जैसे खाली कराने का कार्य किया गया है, ना तो हमें कोई नोटिस दिया गया है, ना कोई समय दिया गया है, ना बताया गया है, तुरंत हमारे में मशीन लाश चलाई गई, जेसीबी दीवार तोड़ी शुरू की है, कहने लगे आप इसे खाली कर दो, नगर पालिका कर्मचारी आए थे अधिकारी, तो उन्होंने ऐसे बोला कि इसे खाली कर दो, हम बोले कैसे खाली कर दें इसको, हम आपने हमें नोटिस नहीं दिया है, आपने मेरे को समय नहीं दिया है, कहने हमने आपको 1 साल नोटिस दिया था, मगर कहाँ है नोटिस आपने दिया, सबूत तो आपके पास हो, नोटिस दिया आपने, कहने नहीं, तो उस पर झूठ साबित हुए हैं, तो उन्होंने कहा हमें तो खाली चाहिए, खाली करनी है, तो इस पर थोड़ा बहुत फिर हमने जो विरोध किया, तो हमें इसमें 2 घंटे समय मिल पाया, तो हम ना तो कहीं मीडिया बुला सके, ना कहीं पर जा सके, कुछ नहीं हम कर सकते, हमारे से ज़बरदस्ती खाली कराई गई है। अभी हम लोग कहाँ पड़े हैं, जंगलों पड़े हैं, आज वहाँ पे ना पानी की व्यवस्था, ना लाइट की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, कुछ नहीं है, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं वहाँ पे, काफ़ी को अभी बीमार हो चुके हैं यहाँ से जाने के बाद में, बच्चे बीमार हो चुके हैं। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है लोगों को? इसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जी। सबसे ज़्यादा बड़े थोड़ा कम, बच्चों को ज़्यादा करना पड़ रहा है, बच्चों की दिक्कतें ज़्यादा हैं, क्योंकि बच्चों का रोना नहीं देखा जाता, बच्चे रोते हैं रात में जब भी आँख खुलती है, कि चलो मुझे अपने घर ले कर चलो, कि बेटा वो घर टूट गए, कहने लगे जो है टूटे हुए में ही चलो, अभी मेरा बच्चा छोटा, ये भतीजा है मेरा, ये रहा, ये अभी मकानों के हाथ लगा रहा है कि ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान है, तो ये दिक्कतें बहुत बननी है। अब अभी बात चल रही थी कि ये नगर पालिका ने 2003 में ख़रीदा था, 2003 में बाबूजी हुकम सिंह भी थे, चौधरी मुनव्वर हसन भी थे, जो चेयरमैन थे बशीर जी वो भी थे, यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा था, उन्होंने ये बोला था चौधरी मुनव्वर हसन ने कि आप जब इसमें मार्केट बना रहे हो, इसका मार्केट का नक्शा पा रहे हो, तो उन्होंने ये कहा था कि जब हम इससे खाली कराएंगे, बाबू उखम सिंह ने, कि हम इसको यहाँ पे इनको जगह देंगे, कहीं पे भी मकान बना के देंगे, तब निकालेंगे, अब इनकी कोई भी किसी ने सुनी नहीं है। तो आपका मकान था यार? जी हमारा मकान, जगह था ये सामने जो हरा सा मकान है, ये हमारा था।
सभी यहाँ पे स्कूल नजदीक ही थे, सभी मतलब सरकारी स्कूल ले लो या प्राइवेट स्कूल ले लो, जिसका बजट प्राइवेट का था वो प्राइवेट में पढ़ाता था। लेकिन अभी जैसा कि कोई बच्चा 4 किलोमीटर की दूरी पर चला गया यहाँ से, तो उसके पेरेंट्स या तो सुबह को मजदूरी करने के लिए जाएंगे अपना मतलब बच्चों का पेट भरने के लिए, या फिर उसके बच्चे को अपने बच्चे को स्कूल लेकर आएंगे। तो सर स्कूल एजुकेशन से पहले तो बच्चे को मतलब पेट भरने के लिए चाहता है, तो वो चाहता है कि मतलब उसके सभी बच्चे भरपेट खाना खाएं, तो इसलिए वो मजदूरी करने जाता है, तो स्कूल कैसे लाएगा सर? और अगर 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर उसने पैदल बच्चे को भेज दिया, तो सर आने के बाद स्कूल से छुट्टी होने के बाद उसको ये मतलब रहता है कि उसका बच्चा घर तक तरह से पढ़ाई मतलब बिल्कुल पढ़ाई का सभी का सर टेंशन हो गई सर। कुछ लोग यहीं पर रेडी वगैरह का काम करते थे, अभी रेडी जो लगती थी वो तो लगती थी, लेकिन अभी चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं कि मार्केट बननी थी यहाँ पे, मार्केट तो कुछ नहीं बनाई गई, इस सराय के अंदर रेडी लगेंगी सभी की सभी। रेडी से क्या फ़र्क पड़ेगा सर, जो मतलब मार्केट में जिनके पास बजट है ठीक है, मार्केट में अपनी फ्रूट्स वगैरह की दुकानें या सब्जी वगैरह की दुकानें कर बैठेंगे, लेकिन अगर किसी के यहाँ कोई गेस्ट आता है तो उसको ये कैसे पता होगा कि मुझे सराय में सामान लेना पड़ेगा, ये जो मार्केट में दुकानें होंगी उनको वहाँ से सामान लेना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी सराय में सामान लेना आ गया, मेरे हिसाब से सर 20% यहाँ का काम रह जाएगा, वो लोग जो कुछ कमा पा रहे थे खा पा रहे थे वो भी खत्म हो जाएगा सर उनका। ठेली कौन लोग लगाते हैं सर? ठेली वाले सभी मजदूर हैं, ये ठेली वाले हैं, मैं ठेली वाला हूँ सर, और भी काफी सारे लोग जी, हाँ जी सब मुस्लिम समाज के लोग हैं। भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो, 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाके ले लो, लेकिन अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए सबके लिए, हम सबकी बेहतरा इसी में ही है, थोड़े दिन का कष्ट उठा लो, इधर उधर ले लो, ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे हैं इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा, इन्हें पता चल जाएगा जो है हमारे पैसों से ही हमारे ही, हम जब चीज लेते हैं तब इनका घर चलता है। Thank you.